Afternoon students, next question. Two wires A and B of different metals have their lengths in the ratio this and their radii in the ratio this. और ये IV graph बना हुआ है for them as shown. Find the ratio of resistances and their resistivities. ठीक है, अब सबसे पहले हम जो भी कहानी है इसकी, ये पहले तो graph क्या बोल रहा है वो समझ लेते हैं. ठीक है, ग्राफ का कहना है हम क्या करते हैं, स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, यही हमारा स्लोप होता है. तो y पे क्या है हमारा, अभी i है, तो हम कहेंगे i2 टू माइनस आई वन अपॉन, मतलब कोई भी दो वैल्यू ऐसे ले लेंगे, तो i2 टू माइनस आई वन अपॉन v2 टू माइनस वी वन. तो क्या मैं इसको डेल्टा i नाम दे दूं, ठीक है, डेल्टा i अपॉन डेल्टा v. और ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ द ग्राफ, दिस इज कॉल्ड द स्लोप. और ये किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है. ओके फाइन, अब इसका मतलब इन शॉर्ट ये दोनों आपस में बराबर बराबर है, सब इक्वल इक्वल इक्वल, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल. तो मैं ये कह रही हूं डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी इज इक्वल टू टेन थीटा, विच इम्प्लाइज, अब देखिए मुझे बाय ओम्स तो मुझे ये पता है कि वी इज इक्वल टू होता है आई आर. अब अगर मुझे आर चाहिए तो मुझे वी अपॉन आई करना पड़ेगा, तब जाके रेजिस्टेंस मिलेगा. इसका मतलब हम क्या करें, इसको रिवर्स कर दे, वी अपॉन आई करे तो इसको भी रिवर्स कर देते. मैथ्स में अगर इस साइड को आप रिवर्स कर रहे हो उस साइड, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कोई मैथ्स के रूल को डिस्कार्ड नहीं करते. हम क्या करते हैं, यहां पर रिवर्स कर देते, इसको रिवर्स करेंगे तो इसको भी करना पड़ेगा. तो ये हो गया आपका डेल्टा वी बाय डेल्टा आई, दोनों साइड में उल्टा कर रही हूं. ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, वन अपॉन टेन थीटा हो जाएगा इसका उल्टा करेंगे तो. ओके, अब ये वन अपॉन टेन थीटा क्या होता है, आपने मैथ्स में क्लास टेंथ में पढ़ के रखा होगा, दैट इज इक्वल टू कॉट थीटा. मतलब डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई किसके बराबर हो गया, कॉट थीटा के बराबर. और ये डेल्टा वी बाय डेल्टा आई क्या है, यानी वी अपॉन चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट, तो क्या होता है, रेजिस्टेंस ही होता है, ऑफकोर्स इट इज अ रेजिस्टेंस. ठीक है, तो इसका मतलब इस ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देके जाएगा हमें, रेजिस्टेंस पर कॉट थीटा. ठीक है, आर इज इक्वल टू कॉट थीटा, कुछ इस तरीके से ये हमारा निकल गया. अब हम फॉर रेजिस्टेंस की बात, ये रेजिस्टेंस है, हाँ दिस इज द रेजिस्टेंस. अब मुझे बताइए फॉर दिस ग्राफ ए, आर ए के लिए, ए यानी ये वाले, हाँ ये वाला मेटल ए का कुछ इस तरीके से ग्राफ जा रहा है, तो इसका एक्स एक्सिस एंगल कितना बना है, थर्टी डिग्री, तो कॉट थर्टी, कॉट थर्टी की वैल्यू होती है रूट थ्री, क्योंकि टेन थर्टी वन बाई रूट थ्री, कॉट उसका उल्टा, तो रूट थ्री, करेक्ट. सिमिलरली रेजिस्टेंस ऑफ मेटल बी यानी ये वाला कितना एंगल पे, ये देखिए कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री, तो कॉट 45, कॉट 45 की वैल्यू 1, इसका रेशियो पूछा हुआ है, तो ये डिवाइड कर दीजिए, ये डिवाइड कर दीजिए, ये तो आंसर कितना आ गया, रूट थ्री बाई वन, ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर निकल गया. अब सिमिलरली वो पूछ रहे हैं सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में वो रेजिस्टिविटीज पूछ रहे हैं, तो रेजिस्टिविटी क्या होती थी, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, यानी जितनी लेंथ उतना रेजिस्टेंस, जितना एरिया उतना रेजिस्टेंस कम, इस प्रोपोर्शनलिटी का हम साइन हटाते थे तो हम लगाते थे रेजिस्टिविटी, याद आया, तो रो इज द रेजिस्टिविटी, बट यहाँ पे इन्होंने रेजिस्टिविटी को सिग्मा से डिनोट कर दिया, तो हम भी सिग्मा से कर देते हैं, तो रो इज इक्वल टू, मैं किससे डिनोट कर रही हूँ, सिग्मा से, तो आर इज इक्वल टू सिग्मा एल ओवर ए. अब सिग्मा तो पूछा हुआ है, तो विच इम्प्लाइज सिग्मा इज इक्वल टू आर ए बाई एल हो जाएगा, ये हमारा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आ गया. सो फार सो गुड. नाउ नेक्स्ट उन्होंने सिग्मा ए ओवर सिग्मा बी का रेशियो पूछा है, तो सिग्मा ए यानी ये, अब यहां पे सिग्मा आई यानी मैं सिर्फ मेटल प्लेट ए की बात कर रही हूं, तो उसका रेजिस्टेंस आ जाएगा मेटल ए का, एरिया भी किसका आ जाएगा, मेटल ए का आ जाएगा, लेंथ भी कितनी आ जाएगी, मेटल ए की आ जाएगी. ठीक है, सिमिलरली सिग्मा बी की बात कर ले, तो सिग्मा बी क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ बी एरिया ऑफ बी डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ बी. ओके, इनका रेशियो पूछा तो इनको डिवाइड कर देते हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, सिग्मा ए ओवर सिग्मा बी, तो सिग्मा क्या होता है हमारे पास, आर ए एल ए सॉरी आर ए ए ए और एल ए, आर ए ए ए और एल ए डिवाइडेड बाय आर बी ए यानी एरिया ऑफ मेटल बी और लेंथ ऑफ मेटल बी, है ना, आर ए. ठीक है, अब इसको थोड़ा प्यार से लिख लेते हैं, आर ए ए अपॉन एल ए मल्टीप्लाई बाय, रिवर्स कर देंगे ना इसको, तो आर एल बी आर बी और ए बी.
अब एक के नीचे एक सबको, मतलब ये सब मल्टीप्लाई में ही तो है, तो इसको क्या ऐसे लिख दूं मैं, मतलब आर ए के नीचे आर बी लिख देती हूँ, मल्टीप्लाई है सब, ए ए के नीचे ए बी कर देती हूँ, मल्टीप्लाई एल बी के नीचे एल ए कर देते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एल बी और एल ए बी पहले निकाल ही लेते हैं, और ये तो बहुत ईजी है। देखिए क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि लेंथ मेटल हैविंग देयर लेंथ इन द रेशियो, लेंथ यानी ए का ए इज टू बी का रेशियो है, पहले ए है और फिर बी है। सिमिलरली देयर रेडियस आर इन द रेशियो, तो रेडियस ए की और रेडियस बी की, मतलब है ना, इस रेशियो में दी हुई। तो पहले लेंथ की बात करते हैं, तो लेंथ किस रेशियो में दिया हुआ है, लेंथ एल ए ओवर एल बी जो है वो हमें देके रखा है 1:2 की रेशियो में, करेक्ट है। अब इम्प्लाइज अगर मैं एल बी अपॉन एल ए करूं तो, मतलब इसको रिवर्स कर दूं तो इस इक्वल टू 2 हो जाएगा, करेक्ट। सिमिलरली मुझे रेडियस का रेशियो दिया हुआ है, किसके रेडियस का, मेटल ए और मेटल बी के रेडियस का रेशियो दिया हुआ, वो कितना दिया हुआ है, 2:1 दिया हुआ है, करेक्ट। क्यों मैंने इसको कैलकुलेट किया, अब ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो देखिए अब हमारा आंसर निकल आएगा, सिग्मा ए और सिग्मा बी इज इक्वल टू आर ए और आर बी, अभी हमने निकाला कितना निकाला, √3 निकाला। एरिया ये क्या है, एरिया ऑफ कौन सा मेटल प्लेट है, तो देखिए एरिया क्या होता है, मैं आपको वायर के क्रॉस सेक्शन से समझाती हूँ। तो हमारा एरिया कितना होता था, दिस, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 वायर दिया हुआ है। तो वायर कुछ इस तरीके से होता है, ये वायर ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, तो अगर ये उसकी लेंथ है तो ये उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये होगा, ये एरिया दिस इज ए, और क्योंकि ये सर्कल है तो किसके बराबर होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे मेटल के उसी की बात कर रही हूँ, किसके, एरिया की। सो व्हाट विल बी द एरिया ए, एरिया ऑफ वायर ए, तो ये वायर ए का जो एरिया है वो कितना होगा, पाई आर ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द वायर बी, तो पाई आर बी स्क्वायर, करेक्ट, इनटू एल बी अपॉन एल ए। अच्छा मैं यहाँ पे रख सकती थी वैल्यूज, कोई बात नहीं अब रख देंगे। तो मुझे बताइए आर ए ओवर आर बी ये होता है, तो अगर मैं स्क्वायर करूं तो दोनों जगह स्क्वायर स्क्वायर कर दूं तो कितना आ जाएगा, 4:1 आ जाएगा, यानी आर ए ओवर आर बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर ए ओवर आर बी का स्क्वायर, है ना, इसको टोटल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, तो दैट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बी, एल बी अपॉन एल ए कितना हो जाएगा, 2, यानी आंसर कितना आ गया, 8√3, किसका रेशियो, सिग्मा ए ओवर सिग्मा बी। स्टूडेंट्स होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।